मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। तो फिलहाल के लिए गाइस हम डायमंड 4 पे, और फिलहाल के लिए मेरी जो रैंक है गाइस वो अराउंड 130 के चल रही है, तो उसे हम जल्दी टॉप 100 में लेके आ जाएंगे और 3-4 दिनों के अंदर कॉन्करर भी। तो बात करते हैं गेम प्ले की। तो आज की वीडियो में गाइस हमारे 2 गेम प्ले से वैसे तो, और दोनों गेम प्ले गाइस बहुत सही है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहले गेम प्ले में गाइस जो जोन था वो मिलिट्री का था, तो यहाँ पर मैंने सीधा जो व्हीकल है वो ब्रिज के नीचे से क्रॉस करना ट्राई किया, बिकॉज गाइस ब्रिज ऑलरेडी कैंप हो रहा था। और यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिज के उस पार एक बंदा जस्ट बोट लेके आया था, और यहाँ पर उसने स्मोक वगैरह भी कर दिया था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसे पीछे से थर्ड पार्टी किया जाए। बट जैसे कि इसमें यहाँ पर आता हूँ तो फिलहाल के लिए कोई बंदा स्पॉट होता नहीं है, और इतने में यहाँ पर मुझे लेफ्ट में एक बंदा ओपन में स्पॉट हो जाता है। और यहाँ पर गाइस इस बंदे को हम एकदम इजीली मार देंगे, और गाइस जो बोट वाला बंदा था उस बंदे को इसी बंदे ने मार दिया था। तो फिलहाल के लिए इस बंदे को मार के सामने वाला एरिया पूरा गाइस खाली हो चुका था, तो मैं फटाक से पानी से बाहर निकलता हूँ, अपने आप को एक अच्छे से कवर में रखने का ट्राई करता हूँ कि इतने में गाइस मुझे लेफ्ट साइड में ओपन में एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और यहाँ पर गाइस ये बंदा भी जस्ट मुझ पे इस पे लेने वाला था, बट यहाँ पर हमने फर्स्ट पे लेके इजीली मार दिया। और यहाँ पर गाइस इनकी पेटी से मैं थोड़ी सी अपनी लूट वगैरह भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो मेरे राइट साइड में 8 मीटर दूर था, बट यहाँ पर गाइस मैं ब्रिज के नीचे था। अगर कोई बंदा ब्रिज के ऊपर हुआ तो मुझे जोन में जाते समय इजीली मार देगा, उसके बाद एक हायर एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो ब्रिज पे आता हूँ। फिलहाल के लिए गाइस ये बंदा हमसे मिस हो जाता है, तो फिलहाल के लिए जो ब्रिज था वो पूरा खाली हो चुका था, तो मुझे पीछे से मारने के लिए कोई था नहीं, तो मैं फटाक से धीरे धीरे जोन में आता हूँ। अब गाइस मैं जैसे ही जोन में आता हूँ तो फिलहाल के लिए तो मुझे एक अच्छा कवर मिल चुका था, बट जो नेक्स्ट जोन था गाइस वो अगेन मुझसे 130 मीटर दूर था, तो यहाँ पर मुझे वापस से जोन जाना था। अब गाइस वहाँ पर मैं थोड़े टाइम तक होल्ड करता हूँ, बट जैसे ही जोन हमारे क्लोज में आता है तो यहाँ पर मैं स्मोक वगैरह के थ्रू जोन के अंदर निकल जाता हूँ। और यहाँ पर गाइस मुझे जोन में एक अच्छा खासा कवर भी मिल चुका था, और यहाँ पर जस्ट कंपाउंड में फाइट भी हो रही थी, और कंपाउंड में जस्ट व्हीकल भी आई थी, और इतने में गाइस मुझे लेफ्ट साइड में ओपन में एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो गाड़ी के कवर में था, बट यहाँ पर जो लेफ्ट वाले रीच गाइस वो पूरी ओपन थी, तो यहाँ पर मैं सोचा क्यों ना लेफ्ट साइड से फ्लैंक मार के इस बंदे को हम इजिली मार सकते, तो यहाँ पर मैं सीधा लेफ्ट साइड में फ्लैंक मार देता हूँ इस बंदे के लिए। और यहाँ पर गाइस इस बंदे को हम इजीली मार देंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस इस बंदे के लिए खराब लगा, बिकॉज इसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई इस रिच पे आके इसे मार सकता है। अब गाइस जो लास्ट 2 बंदे थे वो सामने वाले कंपाउंड पे थे, जिसमें से एक बंदा यहाँ पर गाइस मुझे स्पॉट हो रहा था, और जो सेकंड बंदा था गाइस वो जस्ट यहाँ पर टीपी पे ले रहा था। अब यहाँ पर गाइस मैंने इसे अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो डायरेक्ट मैं इस पर पुश कर देता हूँ। और इतने में गाइस ये बंदा हम पे थर्ड पार्टी करने वाला था, तो इसे भी मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, और यहाँ पर गाइस दोनों बंदे डैमेज थे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि फटाक से क्लोजिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में जोन में एंटर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इनके हीलिंग में गाइस यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा कवर भी मिल गया, तो गाइस अभी आप देखना लाइक इन दोनों बंदों को हम किस तरह से मारेंगे और चिकन डिनर लेंगे।
चलिए गाइस अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड गेम प्ले की। तो यहाँ पर गाइस थर्ड जोन बन चुका था और मेरे एक आधे किल भी हो चुके थे, तो सीधा मैं यहाँ पर जोन के मिड में आता हूँ और लकीली यहाँ पर कोई था भी नहीं स्नाइपर टावर पे, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये किल हमसे मिस हो जाता है, बट यहाँ पर गाइस इसे मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो कोई ना चलता है स्प्रे वगैरह ट्राई करते रहो, अगर किल मिल जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर गाइस मैं आराम से होल्ड करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कोई बंदा इतना स्पॉट हो जाए कि इतने में गाइस हमारे जो राइट साइड वाले रिच है सामने, वहाँ पर दो बंदे भी जस्ट फाइट लेने वाले हैं और यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी में किल चुराने वाला हूँ। यहाँ पर इसे थर्ड पार्टी में हम एकदम इजीली मार देंगे। और गाइस यहाँ पर मेरे दो किल हो चुके थे और यहाँ पर लास्ट छह बंदे बचे हुए थे मुझे छोड़ के, जिसमें से गाइस तीन या चार बंदे सामने वाले कंपाउंड पे थे। तो यहाँ पर मैं उन कंपाउंड के बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता रहता हूँ, कितने में यहाँ पर मुझे ओपन में डार्सिया स्पॉट हो जाती है। अब गाइस यहाँ पर जो मेरी सिक्सेस की सेंसिटिविटी थी वो स्नाइपर के लिए थी, तो फिलहाल के लिए हमने जो स्प्रे है वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हगा है, तो कोई ना उससे बाद में मैंने ठीक कर दिया। और यहाँ पर गाइस अब लास्ट एक बंदा बचा था, तो फिलहाल के लिए सामने वाले जो कंपाउंड है उस पर था, तो यहाँ पर बस मैं वेट करता हूँ, जब जोन स्टार्ट होगा तब जोन के साथ निकलेंगे। अब यहाँ पर गाइस मैं इजीली जोन में आ चुका था, बट यहाँ पर गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो हम पे था नहीं और वो सामने वाले बंदे पे था, बट इतने में गाइस जो सामने वाला बंदा है वो ओपन में आके यहाँ पर जंप करने लग जाता है। तो यहाँ पर ही गाइस ये मीटअप वाला सीन था, तो फिलहाल के लिए इससे हम थोड़ी बहुत बातें वेतें कर लेते हैं और उसके बाद गाइस एंड में हम डिसाइड करते हैं पेन फाइट। तो अभी आप देखना लाइक इस बंदे के साथ हम किस तरह से पेन फाइट लेने वाले हैं और आप बताना क्या हम ये पेन फाइट जीत पाएंगे नहीं। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर। मेरा नाम गुड्डू है, गुड्डू ऑनलाइन।